हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। इस 2021 के खूबसूरत आगाज पर सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जेआईएनसी नर्सिंग को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें और उसके बाद आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। डिंपल, निशा, मीनाक्षी, रेखा, गायत्री, अंजू, सरिता, अर्पना, जया, सरिता, मनीषा, प्रजापति, लेखा, राहुल, पुष्पा, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। इस स्पेशल डे 2021 के आगाज पर एक स्पेशल टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जहां पर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक और दो एमसीक्यू बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आज का अपना जो टॉपिक होगा, दैट इज अ मेनिनजाइटिस, नर्वस सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। जर्नी को कैरी ऑन करने से पहले और न्यू ईयर की विश करने से पहले, मैक्सिमम जो इंक्वायरी जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में रहती है, इंक्वायरी क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जो जेएनसी जोधपुर के द्वारा ऑनलाइन अवेलेबल किया जा रहा है, उसके स्पेशल न्यू ईयर ऑफर का लास्ट डे है और कुछ ही घंटों के बाद ये ऑफर फिनिश हो जाएगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन जेएनसी टू मेक फ्यूचर ब्राइटर। और कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जेआईएनसी जोधपुर लिख करके ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में बाय नाउ पे जाके अपनी डिटेल फिल करना हो, डिटेल फिल करने के बाद में इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। देन लॉग आउट और लॉग इन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो जेआईएनसी परिवार के साथ। कोर्स की प्राइस जो स्टिल 599 है, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च एडमिट, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, इवन प्रीवियस 5 ईयर पेपर, हर यूनिट के बाद टेस्ट, इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर। मैं कहता हूं बच्चों, हमेशा वन कोर्स फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा वन कोर्स के साथ। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जेएनसी परिवार से जुड़ सकते हो कंप्लीट कोर्स के द्वारा। आज लास्ट कुछ आवर्स बचे इस स्पेशल ऑफर का, मौका आज से ना जाने दे। उसके बाद फीस बढ़ करके वापिस अराउंड मोर देन 6.5 या 7,000 के आसपास हो जाएगी। तो इंक्वायरी मिनिमाइज करते हुए फर्दर रीच करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी को जेआईएनसी परिवार की तरफ से इस 2021 के शानदार आगाज में आप सभी को विश हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जिंदगी में ये नया साल, नई उमंग, नई उम्मीदें, नई एनर्जी और एक नई ताकत आपको दे, जिससे जो सपने आपने देखे वो सपने पूरे कर सके। और हमेशा यही कोशिश होगी टीम जेएनसी की कि अपने प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को सही रास्ते पे लगातार रन करवाते रहें ताकि वो अपने मंजिल तक पहुंच सके। तो आपको और आपके परिवार को जेएनसी परिवार की तरफ से एक बार फिर इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, परिवार के साथ रहें, जिंदगी में आगे बढ़ें। इसी विशेष के साथ आज नए साल के उपलक्ष्य में बिना आराम किए अपनी स्टडी को कैरी ऑन करते हैं। स्टडी को कैरी ऑन करने से पहले कुछ रिजोल्यूशन मैं आप लोगों से चाहूंगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने कहा था आपको कि 1 जनवरी 2021 को कुछ वादे आपको करने होंगे, कुछ वादे आप करेंगे, कुछ वादे आपका जेएनसी परिवार करेगा, ताकि आपको आपकी मंजिल मिल सके। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए होंगे, मोटापा कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करेंगे, बट इन वादों से जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। और जिंदगी को आगे बढ़ाने में, अपने गोल को अचीव करने में कुछ डिफिकल्ट हार्ड डिसीजन आज आपको लेने होंगे। और रिजोल्यूशन में जो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे फ्री फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, आप सभी का सबसे फर्स्ट रिजोल्यूशन जो रहेगा, यू शुड बी वेक अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 AM एवरीबडी। आज से इस नए साल के शुरुआत में यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है और सपने को पूरा करना है और जिंदगी में एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आप भी
इस दुनिया में हो तो कल सुबह ठीक 5 बजे उठना शुरू कर दीजिएगा बच्चों। ये बेस्ट टाइम होता है कुछ अच्छा सोचने को, अच्छी एनर्जी बूस्ट करने को और कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट को रिमेंबर करने को। सर्दी जरूर है, दिक्कतें आएगी, बस आप ठान लोगे तो सब पॉसिबल है। तो जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप सभी कल सुबह 5 बजे उठना शुरू करेंगे। दूसरा रिजोल्यूशन, फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब आपका गोल, और गोल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ नजरें अपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस 76,600 की सैलरी पे होना चाहिए और वो साइकिल से फ्लाइट वाले सपना पूरा करना है। तो अपने गोल पे फोकस रखना और तब तक नहीं हटना है जब तक आप अपना गोल पूरा नहीं कर सके। तो लगातार गोल पे फोकस रखना है। जब भी आप अपने आप को उदास महसूस करते हो, जब भी हारा हुआ महसूस करते हो, एक बार जरूर सोचना कि अभी मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है, मुझे फिर उठना है, फिर लड़ना है, फिर आगे बढ़ना है, ताकि मैं जिंदगी का वो सपना पूरा कर सकूं जो मैंने और मेरे परिवार ने और जेएनसी परिवार ने सोचा है। इसी हंगर के साथ आपको लगातार आगे बढ़ना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उसके अलावा स्पेंड लेस टाइम ऑन मोबाइल, ये आप सभी के लिए जेएनसी टीम और जेएनसी परिवार के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल को कम से कम यूज करें। किस पर्पज से? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के जो एप्स है उन पे कम से कम टाइम वेस्ट करें। आप ऑनलाइन क्लास को पढ़िए, आप ऑनलाइन कंटेंट को रीड आउट करिए, बट ये फालतू की जो एक्टिविटी है ये जॉब लगने के बाद सबको करना होगा। बट अभी आप इन चीजों से अपने आप को 100% आज ही क्विट कर लीजिएगा बच्चों। आज ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कोई जरूरत नहीं अपने को। अपने को पढ़ने के लिए बच्चों आपको जेएनसी का ऐप चाहिएगा, आपको गूगल चाहिएगा, उन पे फोकस करिए, डाटा उन पे यूज करिएगा। ये टफ डिसीजन ये भी बच्चों आज ही आपको लेना होगा। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू शुड चेंज योर लिटिल 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 हैप्पीनेस। देन फाइट विद सिचुएशन, नेवर क्वाइट। देखिए जिंदगी में किसी भी तरीके का कितना भी टफ सिचुएशन आपके क्यों ना हो, आपको सिचुएशन से लड़ना है ना कि भागना है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो यू शुड ट्राई टू अगेन यू शुड ट्राई इट, बट हार नहीं मानना है, रास्ता नहीं छोड़ना है। एक एग्जाम में फेलियर होते तो दूसरे एग्जाम में जरूर आप सफल होंगे। तो हिम्मत लगातार रखना है, मेहनत कंटिन्यू करना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन डेली यू शुड नीड टू स्टडी फॉर 4 to 6 आवर, कम से कम 4 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी करना है। बुक लेके नहीं बैठना है, आवर्स काउंट नहीं करना है। यदि आप 4 से 6 घंटे पढ़ने के बाद बाहर निकलते हो, यू शुड फील योरसेल्फ कि आज मैंने 6 घंटे में इतना कंटेंट याद किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्टडी करते हो तो क्लास फिनिश होने के बाद एक बार खुद को इवेल्युएट करके जरूर देखें कि आपने क्या लर्न किया। तो ये कुछ रिजोल्यूशन है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करूंगा मेरे जितने भी प्री फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें वो जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका सपना जेएनसी का सपना बच्चों, आप आगे बढ़ोगे तो आपका जेएनसी निरंतर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए इन छोटे छोटे वचन को प्रतिबद्ध होकर के फॉलो करना है, अपने सर का कहना माना, अपने टीम जेएनसी का कहना माना बच्चों। ये तो बात होगी आप लोगों के द्वारा लिए गए रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन आपका टीम जेएनसी की तरफ से भी है बच्चों। और रिजोल्यूशन यह रहेगा कि पुट 100% एफर्ट टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपका जेएनसी जो परिवार है वो अपना 100% एफर्ट्स पुट करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जितना पॉसिबल हो सके, जिस एंगल से पॉसिबल हो सके। इस 2021 में वी वॉन्ट एवरीबडी वी विल रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ये इंपॉर्टेंट ईयर होगा बच्चों, खुशियों से भरा होगा, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट जेएनसी का हमेशा एक ही सपना रहा है कि आपको अपने गोल तक पहुंचाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये जेएनसी परिवार का सपना है, अपना 100% एफर्ट आप लोगों के लिए लगातार पुट करते रहेंगे कि आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, लगातार मेहनत कंटिन्यू करते रहना। अब कुछ खास बातें कर लेते हैं, आपकी जेएनसी परिवार ने क्या अचीव किया इस 2020 में। बहुत कुछ दिया आपने जेएनसी परिवार को, अचीवमेंट क्या क्या हो सकते हैं
कुछ शॉर्ट और स्वीट और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपके सामने पुट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले JINC ने COVID-19 के लॉकडाउन में फ्री क्लास स्टार्ट किया था JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे, ऑल इंडिया वर्ल्ड में फ्री नर्सिंग कोचिंग यूट्यूब चैनल पे नॉर्थसेट से पहले आपके टीम JINC ने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद में JINC ई नर्सिंग जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, वो आज अभी तक 80,000 प्लस सब्सक्रिप्शन को क्रॉस करके गया है और ये लास्ट 6 मंथ का आउटपुट है और ये सभी आपके भरोसे से पॉसिबल हुआ है। लास्ट 6 मंथ में आपके अपने JINC ने यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखोगे बच्चों लगभग 82,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रॉस किया है। और सबसे खास बात, अभी तक JINC चैनल को देखने वाले लोगों को जो व्यू है वो लगभग 66,928 लगभग 66 लाख लोगों ने JINC का चैनल और JINC का लेक्चर देखे बच्चों। ये एक अचीवमेंट जो है आप सबके प्यार से पॉसिबल हुआ। 66 लाख नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। 66 लाख लोगों ने अभी तक JINC चैनल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास के द्वारा देखा है। ये व्यूज है लास्ट 6 मंथ के। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्थसेट में आपकी JINC परिवार ने इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन दिए। एक और अचीवमेंट आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थसेट 2020 में JINC में पढ़ने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग ऑफिसर बने उनका रेशियो इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन का है। हाईएस्ट सिलेक्शन आपकी टीम JINC के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सेलेक्ट हुए। इवन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अचीवमेंट बच्चों, HPSSC में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन अगेन आपकी JINC से हुए। उसके बाद MPCHO में हाईएस्ट सिलेक्शन आपके JINC से हुए। और आपको पता होगा टॉप रैंकर भी आपके JINC ने दिए हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, ये रिसेंट MPCHO का रिजल्ट है जो लगातार हार्डवर्क का आउटपुट है। मैं आपके सामने पुट करा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन फाइनली थैंक्स 2020 टू मेकिंग JINC फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड टू पेंडेमिक। आप सभी ने JINC को एक ग्लोबल से COVID-19 की तरह पेंडेमिक बनाया, लाखों लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आप सभी का JINC परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। एक शानदार प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए, एक क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल चूज करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं JINC है तो भरोसा है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो क्वालिटी है, और JINC है तो मुमकिन है। इस नारे को आपने साबित किया और ये लास्ट 6 मंथ में ये चमत्कार आपके परिवार ने कर दिखाया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, भरोसा ठीक इसी तरीके से बनाए रखें और मेहनत करेंगे, निरंतर अपना हार्डवर्क जारी रखेंगे। और सबसे खास बात आपको शेयर करना चाहूंगा, इस लॉकडाउन 2020 में आपके अपने JINC ने आपके लिए अपना खुद का ओन JINC भवन परचेज किया है और ये सभी आप सभी लोगों का इंतजार करा है, नया JINC भवन जहां पर 100-bedded गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी होगी, जहां पर लाइब्रेरी होगी, मैस होगा, कैंटीन होगी, क्लासेस होगी। ये एक शानदार भव्य बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये JINC का न्यू कैंपस है। ये JINC जोधपुर का न्यू कैंपस है जो JINC के खुद का ऑन बिल्डिंग है, आपका अपना बिल्डिंग है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ 2020। ये आप सभी के प्यार स्नेह भरोसे से पॉसिबल हो पाया। ये एक भव्य इमारत जो है फ्यूचर जनरेशन का इंतजार कर रही है, आपके पहुंचने से पहले भव्यता से इसको सजाया जा रहा बच्चों। तो ये एक खूबसूरत तोहफा आप सभी के लिए इस 2020 के कोविड महामारी में आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स लिए। तो ठीक इसी तरीके से भरोसा बनाए रखें, कैंपस विजिट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये नया कैंपस है आपके JINC का, JINC जोधपुर भगत की कोठी इसका प्लेस है। आप सभी का स्वागत है नए कैंपस में, जल्दी इसका इनॉग्रल डेट फाइनल होगा और आप सबको इन्वाइट किया जाएगा बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फाइनली
आज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और जर्नी स्टार्ट करने से पहले अवसर और सूर्योदय, चांस, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं, लेट उठने वाले जो 5 बजे नहीं उठते हैं वो इस सूर्योदय को खो देते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं वो अवसर को खो देते हैं। तो आपको इन दोनों को अपनाना है, अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना है, 5 o'clock उठना है, और हार्ड वर्क के साथ जिंदगी के वो सपने हासिल करने हैं जो आपने और आपके परिवार ने दोनों ने मिलकर देखा है। जेएनसी परिवार सदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फाइनली आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। आज का टॉपिक फिर नर्वस सिस्टम से हम ले रहे हैं, और आज का टॉपिक है बच्चों मेनिंजाइटिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहां पर हम लोग एक एक माइनर टू माइनर थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको काफी एमसीक्यू जो है इस टॉपिक से आपको मिले। पहले हम बेसिक एनाटॉमी देखेंगे, मेनिंजस क्या है, उसके बाद डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे, एक एक बारीकी से हर उस पॉइंट पे फोकस करेंगे, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप हर क्वेरीज को मिनिमाइज कर सके। ओके फाइन, मेनिंजस की यदि हम बात करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेनिंजस आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है। देखिए, जब हम बच्चों नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, आप सभी को बताया नर्वस सिस्टम को हम 2 भाग में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एवरीबॉडी नो वेरी वेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर यदि हम क्लासिफाइड करें तो एक हम पढ़ते हैं बच्चों ब्रेन, और दूसरा हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन। ब्रेन में फर्दर आप जाओगे तो फोर ब्रेन मिलेगा, मिड ब्रेन मिलेगा, हिंड ब्रेन मिलेगा। फोर ब्रेन में फर्दर आप जाओगे तो टैलेंसी फेलोन मिलेगा, डायनसी फेलोन मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गन हम पढ़ते हैं। दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वी कैन से सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फर्दर डिवीजन है। याद रखिएगा, ऑटोनॉमिक में हम नॉर्मली पढ़ते हैं बच्चों सिंपैथेटिक पढ़ते हैं, और दूसरा पैरासिंपैथेटिक नर्व पढ़ते हैं, और सोमेटिक में हम स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं। दैट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन टू द CNS, और CNS उस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई करता है और उस रिप्लाई को वापस कैरी करता है टूवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन। मतलब बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके आना और वापस बॉडी ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व वर्क करते हैं। और वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम डज कंसिस्ट ऑफ द मेनली टू ऑर्गन्स, देयर इज अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजस। क्या बोलते हैं, मेनिंजस। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं मेनिंजस क्या इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। अब यदि हम फर्दर देखें, ये जो कवरिंग है ये दैट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए आगे चलूंगा। यहां पर मैंने आउटर पोर्शन पुट किया, सबसे बाहर स्किन होता है, स्किन के बाद जो बोनी पोर्शन आता है उसमें सबसे बोन की बाहर वाली लेयर आप सभी को पता है बच्चों पेरिओस्टियम कहते हैं। बोन की आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम होता है, पेरिओस्टियम होता है। उसके बाद क्रेनियल बोन होगा, दैट वी कैन से क्रेनियम होगा, और क्रेनियम से जैसे ही अपन अंदर एंटर करेंगे तो मेनिंजस के 3 लेयर्स होगी, आउटर, मिडल और इनर। हम उस एक एक लेयर के बारे में शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। सबसे मैंने पहले पुट किया बच्चों आउटर लेयर, दैट वी कैन से ड्यूरामेटर। यू कैन सी एवरीबॉडी, दिस इज द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आउटर लेयर होता है, ड्यूरामेटर जो सबसे बाहर होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो हम इसको दूसरे किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, टफ मदर के नाम से। किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे बच्चों, टफ मदर के नाम से। और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, टफ मेम्ब्रेन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ड्यूरामेटर जो है फर्दर 2 में डिवाइड होती है, एक मेनिंजल और एक वी कैन से पेरिओस्टियल। ये जो है फर्दर 2 में डिवाइड होती है, एक होता है बच्चों पेरिओस्टियल, पेरिओस्टियल, और दूसरा होता है मेनिंजियल, मेनिंजियल। ये मैं बात कर रहा हूं आउटर लेयर, दैट वी कैन से ड्यूरामेटर। और जो ये पेरिओस्टियल और मेनिंजियल है, इसके बीच में विनसस साइनसस होते हैं बच्चों,
वीनोसस साइनसस पाए जाते हैं। याद रखिएगा सबसे बाहर वाला आउटर लेयर जिसको हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, और ड्यूरामेटर सबसे स्ट्रांग होता है क्योंकि सबसे बाहर होता है, इसीलिए हम इसको टफ मदर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और एक और नाम इसका बच्चों टफ मेम्ब्रेन। याद रखिएगा मैं इन लेयर के बीच में बनने वाले स्पेस की भी बात करूंगा साथ साथ में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस ड्यूरामेटर के बाहर का जो स्पेस होगा उसको बच्चों एपिड्यूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल। याद रखिएगा जब हम हेड इंजरी पढ़ेंगे, तो यहां पर अलग अलग स्पेस में ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होगा। एपिड्यूरल का मतलब जस्ट आउटसाइड द ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के जस्ट बाहर वाले स्पेस को किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? दैट वी कैन से एपिड्यूरल स्पेस। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद में फर्दर जो दूसरा लेयर है जिसका नाम है बच्चों मिडल लेयर, वी कैन से एरेक्नोइड मैटर। याद रखिएगा एरेक्नोइड मैटर को स्पाइडर मदर बोलते हैं। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। और इसी को स्पाइडर मदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव वेब लाइक मेम्ब्रेन। इसमें जब आप देखोगे तो वेब लाइक मेम्ब्रेन फाइंड आउट होगा, दैट लेयर वी कैन से एरेक्नोइड मैटर। गेट इट एवरीबॉडी? दैट वी कैन से एरेक्नोइड मैटर। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के जो बीच का स्पेस होता है उसको बच्चों हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। दिस इज द सब ड्यूरल। देखिए आउटर लेयर के बाहर के स्पेस को हमने एपिड्यूरल बोला, देन आउटर लेयर का नाम था ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को हमने सब ड्यूरल स्पेस बोला, और मिडल लेयर को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों? एरेक्नोइड मैटर। और जैसे ही हम इनसाइड आएंगे, दैट वी कैन से इनर लेयर, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? पाया मेटर, या वी कैन से लिटिल मदर, और कभी कभी इसको डेलिकेट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और याद रखना ये जो स्पेस है बिटवीन एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, स्पेस का नाम है बच्चों सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड। याद रखिएगा सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस कौन सा होता है? जहां पर कौन लोकेटेड होता है बच्चों? सीएसएफ लोकेटेड होता है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू कि सीएसएफ कौन से स्पेस में लोकेटेड होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है, तो आपको आंसर क्या पुट करना है? सब एरेक्नोइड स्पेस। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू कि वो कौन सा स्पेस है जहां पर सीएसएफ पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? सब एरेक्नोइड। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि हम एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर की बात करें दोनों का, तो एक स्पेशल टर्म आपने सुना होगा लेप्टो मेनिंजस। देखिए एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों लेयर को हम क्या बोलते हैं? लेप्टो मेनिंजस। ये याद रखिए, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। व्हेन वी काउंट एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर बोथ लेयर इज ऑल्सो नाउन एज, वी कैन से दैट इज अ लेप्टो मेनिंजस। और यदि एरेक्नोइड मैटर में और पाया मैटर में इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता दोनों लेयर में, उसको लेप्टो मेनिंजाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लेप्टो मेनिंजाइटिस कहेंगे। क्यों? लेप्टो मेनिंजस जो है इन दोनों लेयर को बोलते हैं। जब ये दोनों लेयर आपस में कनेक्टेड होती है, वी कैन से एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, दिस इज ऑल्सो नाउन एज लेप्टो मेनिंजस। और जब लेप्टो मेनिंजस में इंफ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो लेप्टो मेनिंजाइटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? लेप्टो मेनिंजाइटिस। ये बहुत ही माइनर पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां मैं यदि शॉर्टली बात करूं माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेनिंजस जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, तीन लेयर में आउटर मिडिल और इनर होता है। सबसे बाहर ड्यूरामेटर को टफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर को स्पाइडर मदर बोलते हैं, और अंदर वाली पाया मैटर को लिटिल मदर बोलते हैं। ड्यूरामेटर के बाहर के स्पेस को हम लोग एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को हम लोग सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच वाले स्पेस को हम लोग सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। और सब एरेक्नोइड स्पेस में कौन लोकेटेड होता है बच्चों? सीएसएफ। कौन लोकेटेड होता है? सीएसएफ लोकेटेड होता है। दूसरा, यदि हम एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर को कंबाइनली दोनों को देखें तो इसको किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? लेप्टो मेनिंजस। और इन दोनों लेयर में यदि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो जाता है उसको लेप्टो मेनिंजाइटिस के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। लगभग
1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट राइट नाउ, लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी दोज आर वॉचिंग जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल, क्योंकि डिसलाइक वाले आके अपना काम करके चले जाते हैं फिर पूरी क्लास को वॉच करते हैं, उसका जवाब जेआईएनसी आर्मी को देना है, आप सभी जेएनसी आर्मी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू विल रिस्पॉन्ड इट राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक इट फास्ट एवरीबॉडी, ओके फाइन। तो दीज आर द थ्री लेयर, इवन जब हम पायामेटर के अंदर आएंगे तो बच्चों यहां पर ब्लड वेसल्स होंगे, कौन होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। तो ये सिंपल वे में मैंने लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, सीधा क्वेश्चन आएगा कि हु आर या हु इज मेनिंजस, इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, ओके फाइन। अब हम फाइनली यदि डिजीज कंडीशन में एंटर करें, आई वॉज पुट इट वेरी वेल, मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम है ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन, ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस ऑल्सो नाउन एज वी कैन से ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं सीएसएफ जो है, सीएसएफ का प्रेशर जो है वो राइजेज अप होता है, और डेफिनेटली प्रेशर राइजेज अप कब होगा, जब इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, देन कैन कॉज इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और यहां सीएसएफ मेजर रोल प्ले करता है प्रेशर को बढ़ने में, क्योंकि याद होगा मेनिंजाइटिस का डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सीएसएफ एनालिसिस होता है बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच इज द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन टू फाइंड आउट पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस, तो आपको आंसर क्या लिखना है, दैट वी कैन से सीएसएफ एनालिसिस, लेटर वी विल डिस्कस। यहां पर मैंने दोनों पिक्चर पुट किया है, इस इमेज को आप देखोगे तो ये बच्चों नॉर्मल मेनिंजस है, ये नॉर्मल मेनिंजस है, और ये इमेज देखोगे तो ये इनफ्लाम्ड वी कैन से डिजीज कंडीशन या वी कैन से इनफ्लाम्ड इनफ्लाम्ड मेनिंजस। देखिए आउटर दैट वी कैन से अगेन आई वाज पुट अ ड्यूरामेटर, एरेक्टोमीटर, पायामेटर, और ये जो दिख रहा है बच्चों ये कौन है, ब्रेन है, कौन है, ब्रेन है। वही दूसरी पिक्चर जब आप देखोगे इन तीनों लेयर के अंदर आपको इंफ्लामेटरी प्रोसेस दिख रहा है, जब ये तीनों लेयर में इंफ्लामेटरी प्रोसेस होगा डेफिनेटली ब्रेन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ब्रेन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, दैट कंडीशन वी कैन से मेनिंजाइटिस। इस पिक्चर में आप क्लियरली देखिए, दीज आर द, सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों पेरिओस्टियम होता है, फिर क्रेनियम होता है, फिर क्रेनियम के अंदर आप जाओगे तो इस तरह की तीन लेयर्स मिलेगी, और इन तीनों लेयर्स के बीच में स्पेस होते हैं, और स्पेस इज सब रेक्टोइड स्पेस में कौन लोकेटेड होता है बच्चों, दैट इज आर सीएसएफ, कौन लोकेटेड होता है, सीएसएफ। तो दैट वी कैन से कंडीशन मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन टू द मेनिंजस, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब इस मेनिंजाइटिस की यदि हम बात करें बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मेनिंजाइटिस का आपने मीनिंग पढ़ा, इन्फ्लेमेशन इनटू द मेनिंजस, अब बात आती है कि विच आर द फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेनिंजाइटिस। मैं यहां पर आपको हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो मेनिंजस जो है लेयर को अफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी, वी कैन से पैरासाइट्स भी होते हैं। एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा वो जानना यहां पर बहुत जरूरी है। देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है, यदि हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक में डिफ्रेंशिएट करें तो मोस्ट कॉमनली जो रिस्पॉन्सिबल या मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल टाइप की बात करें तो याद रखना बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आउट ऑफ फोर मोस्ट कॉमन है। पहला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहां पर बनेगा, विच इज द मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस दैट वी कैन से बैक्टीरियल। डेफिनेटली बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, सेप्सिस होगा। अब इस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, या फिर क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस, यू कैन सी एवरीबॉडी, मेनिंजोकोकस निमोनी, दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर अडल्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यहां आप लिख सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम यहां पर जिक्र करेंगे बट एग्जाम में क्या पूछा है वो जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन क्या बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से कि मेनिंजाइटिस में अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, मेनिंजोकोकल निमोनी। बहुत सारे बैक्टीरिया मैं आपको यहां पर बताऊंगा बट दैट इज अ मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इवन यू कैन सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बच्चों का अलग पूछा जाता है, अडल्ट का अलग पूछा जाता है, मैंने दोनों मेंशन किया है।
बच्चों में यदि पूछे, चिल्ड्रन में यदि एग्जाम में पूछे कि विच इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, तो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और बता देता बच्चों हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में भी टाइप टू, हीमोफिलस के बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप टू इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। इसके बाद एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यदि बर्थ टू फोर वीक की बात करें तो ग्रुप देखिए, ग्रुप ए आपने बहुत जगह पढ़ाया, यहां ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल और इकोलाई, ये वो दो बैक्टीरिया है जो बर्थ टू फोर वीक में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एज ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आप पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन को लर्न करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और स्पेसिफाई तभी पॉसिबल है जब हर एक क्वेश्चन को आप डिस्क्राइब करोगे। दूसरा मैंने लिखा बच्चों 4 टू 12 वीक, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है इकोलाई स्टिल रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके साथ न्यूमोकोकस, साल्मोनेला और अगेन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का टाइप 2 रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा बच्चे की एज बढ़ा 3 मंथ टू 3 ईयर तक के बेबी में न्यूमोकोकस, मेनिंजोकोकस, अगेन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप 2 बच्चों। देन एज और बढ़ी तो 3 ईयर से एडल्ट तक न्यूमोकोकस और मेनिंजोकोकस, मैंने यहां पर कहा ना बच्चों मेनिंजोकोकस, मैंने क्लियर मेंशन किया 3 ईयर से एडल्ट की जो एज होती है वहां मेनिंजोकोकस और न्यूमोकोकस रिस्पॉन्सिबल है। हर एज ग्रुप में आपको पर्टिकुलर कॉज के बारे में जाना, मैं बताऊंगा कि मोड ऑफ एंट्री क्या होती है, मैं बताऊंगा रिस्क फैक्टर क्या होता है, बट पहले हम जान लेते हैं क्योंकि यहां कॉज पे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला है कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव तो बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होगा इसलिए हम इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं, या इसको आप बच्चों सेप्टिक बोल सकते हैं, इसको आप सेप्टिक मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं अदर वर्ड में, क्यों वायरल तो एसेप्टिक होता है, तो इसको आप सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये तो बात होगी बैक्टीरिया की, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने पुट किया है, पर्टिकुलर एज के हिसाब से आपको याद करना होगा। अब बच्चों बात आती है वायरल से पहले एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक टर्म्स लिखा है टेल टेल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको ध्यान से समझ होगा, टेल टेल को हिंदी में बोलते हैं साफ दिखाई देने वाला, मतलब यदि किसी पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, किसी पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है वो कौन से सिम्टम है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या साइन होगा टेल साइन के नाम से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको आंसर क्या लिखना, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होगा, किसमें बच्चों सीएसएफ में। दूसरा क्या होगा, हाई प्रोटीन होगा बिकॉज बैक्टीरिया पुपिंग आउट प्रोटीन, क्या होता है जब बैक्टीरिया ब्रेक होने लगेंगे तो प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों बढ़ जाएगा, और याद रखना लो ग्लूकोज, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, बैक्टीरिया को लिविंग रहने के लिए उसका खाना क्या होता है बैक्टीरिया का, ग्लूकोज होता है, तो डेफिनेटली यदि बैक्टीरिया की प्रेजेंस होगी तो ग्लूकोज का इंटेक बैक्टीरिया में बढ़ जाएंगे, और ग्लूकोज का इंटेक जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बच्चों कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये तीन वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसको हम किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, टेल साइन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना। ये क्वेश्चन एम्स जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एम्स जैसे में। रिंकू रॉय डोनेटिंग 50 rupees टू द JNC स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच रिंकू रॉय डोनेटिंग 50 rupees। तो तीन चीजें याद रखना, डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, प्रोटीन का लेवल हमेशा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है, और ग्लूकोज का लेवल कम होगा, किसमें ग्लूकोज का लेवल कम होगा याद रखें बच्चों सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, क्यों यहां हम सीएसएफ का एनालिसिस करेंगे, कब जब पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, तो सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल लो होगा, और इन तीनों साइन को हम क्या कहते हैं बच्चों टेल साइन, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब दूसरी हम बात करते हैं बच्चों वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल को क्या बोलते हैं एसेप्टिक, एवरीबडी नो वेरी वेल वायरल मेनिंजाइटिस को हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, और वायरल मेनिंजाइटिस में कौन हो सकता है बच्चों, एंट्रोवायरस हो सकता है, अर्बोवायरस हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, हर्पीस सिंप्लेक्स। याद रखना एचआईवी क्यों डेवलप होगा, एचआईवी वाले पेशेंट को
इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो उसको इजिली वायरस जो है इट रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज इंफेक्शन, और वायरस जो है ब्लड के द्वारा ट्रेवल करके कहां पहुंच सकता है, मेनिंजस में पहुंच के मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। ओके फाइन, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि वायरल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो उस पेशेंट के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। मैं हर उस पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक सिम्टम बता रहा हूं। यहां मैंने लिखा बच्चों एब्डोमिनल और चेस्ट पेन होगा यदि पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस होगा, डेफिनेटली डाइजेस्टिव ट्रैक के फंक्शन अल्टर्ड होंगे, कार्डियोवैस्कुलर के फंक्शन अल्टर्ड होंगे, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर चेस्ट पेन होगा, यहां पर आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम इंपेयर होगा तो एब्डोमिनल पेन होगा। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसमें फाइंड आउट होगा, जब पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस होगा। वायरस में कोई भी हो सकता है, चाहे वो एंट्रोवायरस हो, चाहे अर्बो वायरस हो, चाहे हर्पीस सिंप्लेक्स है, एचआईवी, एनी मेनी ऑफ देम वायरस आर रिस्पॉन्सिबल। हमें पर्टिकुलर पढ़ना बच्चों, बहुत सारे कॉज यहां पर हम पढ़ेंगे, बट हर पर्टिकुलर कॉज पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो दैट यू नो एवरीबडी, एब्डोमिनल और चेस्ट पेन देन आर डेवलप इफ द पेशेंट सफर विद द वायरल मेनिंजाइटिस। ओके फाइन, अब बात आती है फंगस की। फंगस में भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है। मैंने लिखा फंगल मेनिंजाइटिस ड्यू टू क्रिप्टोकोकस। याद रखना, कभी कभी हम लोग फंगल मेनिंजाइटिस को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। इस नाम से भी हम फंगल मेनिंजाइटिस को प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये फंगल मेनिंजाइटिस में वो कॉमन कॉज है जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, वो कॉमन फंगस का नाम है क्रिप्टोकोकस। इसके अलावा मैंने पुट किया बच्चों हिस्टोप्लाज्मा, पुट किया ब्लास्टोमाइसिस, पुट किया देन कॉक्सीडियो आयोडिस, पुट किया और कैंडिडिया। तो सबको पता है कैंडिडिया तो बच्चों ऑरल थ्रस्ट करता है, क्या करता है, ऑरल थ्रस्ट भी करता है, और ऑरल कैंडिडियस इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों कैंडिडिया। ये कहें कि आप ओबीजी में भी पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंफेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कैंडिडा एल्बिकस आपने नाम सुना होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज। बट एग्जाम में जब पूछेंगे कि विच इज द मोस्ट कॉमन फंगस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज फंगल मेनिंजाइटिस, तो आपको आंसर लिखना है क्रिप्टोकोकल। और क्रिप्टोकोकल जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो क्रिप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। तो ये वो फंगस है जो मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों प्रोटोजोअल या वी कैन से पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर। प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम है इसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, और इसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस के कॉज क्या हो सकते हैं, एंजियोस्ट्रोनाइलस, कैंटागेनिस, इवन न्यूरोलॉजिकल एंजियोस्ट्रोनाइलिस के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों। तो प्रोटोजोअल और पैरासाइटिक एक ही है। प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस की जब भी बात होगी तो हम इसको एसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। और कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल बच्चों, एंजियोस्ट्रोनाइलिस, एंजियोस्ट्रोनाइलिस, दीज आर द प्रोटोजोआ आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पैरासाइटिक और वी कैन से प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। तो चार टाइप्स यहां पर मैंने आपको पुट किया है, और इस चारों टाइप में यदि हम फंगस वाले की बात करें बच्चों तो रेयर होता है, बहुत कम होता है, प्रोटोजोअल भी बहुत कम होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, दैट इज अ बैक्टीरियल। और बैक्टीरियल मोस्ट कॉमन क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली जो है वो ड्रॉपलेट के द्वारा, एयरबोर्न के द्वारा आपके बॉडी में पहुंचेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा जा सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा जा सकते हैं, ब्लड में एंटर होकर के वो कहां पहुंचेंगे बच्चों, मेनिंजस में, और वहां पर जाके इंफ्लामेटरी प्रोसेस कॉज करेंगे। इसलिए मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि बैक्टीरिया मोर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेरिजन टू वायरस, वायरस कॉमन होता है कंपेरिजन टू अदर फंगस और दैट वीक इज अ प्रोटोजोअल। ओके फाइन, अब बात आती रिस्क फैक्टर। ये तो मेन कॉज हो गए, मतलब इस तरीके की यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर करते हैं वो इन्फेक्टेड है तो ये कॉज कर सकते हैं। बट स्कल फ्रैक्चर, ब्रेन और स्पाइनल सर्जरी, क्योंकि स्कल फ्रैक्चर की वजह से डायरेक्टली मेनिंजस एक्सपोज हो जाती है और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली वहां एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दूसरा, मैंने ब्रेन और स्पाइनल सर्जरी की बात की, क्योंकि स्पाइनल सर्जरी में स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगा और ब्रेन की सर्जरी में ब्रेन डायरेक्टली अफेक्ट होता, तो ये रिस्क फैक्टर है। डायरेक्ट इंफेक्शन के द्वारा डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस एरिया में रीच करेंगे और ये कॉज करेंगे मेनिंजाइटिस। के अलावा साइनस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों, डेफिनेटली साइनस में साइनोसाइटिस के द्वारा हो सकता है। साइनोसाइटिस का मतलब होता है इट इज इंफ्लेमेशन इनटू द पैरानेजल साइनसेस, और पैरानेजल साइनसेस के द्वारा ये ब्रेन में रीच कर सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा भी ब्रेन में जा सकता है, दैट एवरीबॉडी नो वेरी वेल। देन इसके अलावा
यूज ऑफ नेजल स्प्रे और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। मैंने कहा था बच्चों एच आई वी पॉजिटिव का जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वीक इम्यून सिस्टम वाले को कोई भी इंफेक्शन इजिली स्प्रेड कर सकता है, इजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर इट मे बी और माइट बी कैन कॉज मेनिंजाइटिस। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो यहां पर जितने भी मैंने आपको कॉजेज बताए बच्चों, जितने भी मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कौन होगा? बैक्टीरिया होगा। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। यहां मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा जहां एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने लिखा पुरुलेंट। पुरुलेंट का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ पस, याद रखना। पुरुलेंट का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट ऑफ पस। पुरुलेंट मेनिंजाइटिस में आपका जो डब्ल्यूबीसी है वो 100 टू सेवरल थाउजेंड इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें बच्चों, तो आपने कई बार देखा होगा इन्फेंट जो होता है उसका डब्ल्यूबीसी नॉर्मली 10,000 से 20,000 सेल पर mm³ होता है। आप सभी को पता है इन्फेंट का डब्ल्यूबीसी 10,000 से 20,000 होता है। वहीं यदि हम बात करें बच्चों चिल्ड्रन की बात करें, उसका डब्ल्यूबीसी जो है वो 10,000 से 15,000 सेल पर mm³ होता है। और अडल्ट की बात करें, एवरीबॉडी नो वेरी वेल, अडल्ट की डब्ल्यूबीसी जो है वो 4,000 से 11,000 सेल पर mm³ होता है। ये मैंने नॉर्मल डब्ल्यूबीसी पुट किया बच्चों एज के अकॉर्डिंग इसलिए पुट किया क्योंकि यहां पर डब्ल्यूबीसी जो है पुरुलेंट में वो सेवरल थाउजेंड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट विल बी इंडिकेटिंग प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है न्यूट्रोफिल। एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा तो मोनोसाइट बढ़ेगा। यहां पर यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस में एक्यूट कंडीशन होगा तो भी डब्ल्यूबीसी बढ़ना है, क्रॉनिक होगा तो भी डब्ल्यूबीसी बढ़ना है। तो ये पैरामीटर आपको जानना जरूरी होगा। मैंने तीनों एज ग्रुप का डब्ल्यूबीसी पुट किया, ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी एज के अकॉर्डिंग हम यहां पर लर्न कर सकते बच्चों। ओके फाइन। उसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, एट्रोजेनिक मेनिंजाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक लंबर पंचर। यदि आपने पेशेंट का लंबर पंचर किया है और वहां से कोई बैक्टीरिया जो है वो एंटर हुआ और वहां से एंटर होके क्या कॉज किया बच्चों, मेनिंजाइटिस कॉज किया, इस तरीके के इंफेक्शन को हम एट्रोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। हो सकता है हम किसी और पर्पज से पेशेंट का लंबर पंचर करें या पेशेंट को क्लीन कैच टेक्निक हमेशा हम यूज करते हैं। यदि टेक्निक को नहीं मैंने फॉलो किया तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होकर के पेशेंट को बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है। तो डेफिनेटली इस तरीके के मेनिंजाइटिस को हम क्या बोलते हैं, इट्रोजेनिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इट्रोजेनिक। हर उस छोटी छोटी बात को आपको लर्न करना होगा जो एग्जाम में आपको बूस्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि लगभग अराउंड 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। नए साल में नई एनर्जी और नई उमंग के साथ, नए सपने के साथ आपको पढ़ना है। पास्ट में क्या हुआ, अभी तक क्या घटित हुआ, उसको फॉरगेट करना। हर किसी का पास्ट आप खोद के देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई होगी। उस पास्ट को फॉरगेट करने का एक ही तरीका है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को इतना ब्राइट बनाओ कि पास्ट को रिमेंबर करने का वक्त ना मिले। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया है, और यदि हम पास्ट को रिमेंबर करते रह गए ना बच्चों तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस 2021 के जनवरी में आज ही के दिन उन सारी गंदगी को साफ कर दो, एक नई ऊर्जा नई उमंग आपके उस ब्रेन में भर दीजिए जो आपके सपनों के और करीब लेके जाए। क्योंकि पुराने अतीत को याद करके अपने आप को पीछे रखने के बजाय प्रेजेंट की सिचुएशन को हासिल करके मेहनत करें ताकि जिंदगी में उस सपने को पूरा करें। क्या हुआ था, फॉरगेट इट। क्या बीता था, फॉरगेट इट। क्या होने वाला है, फोकस इट। क्या कर सकते हो, माइंड इट। क्या करने वाले हो, थिंक अबाउट इट। बट डोंट ट्राई टू गो बैक, यू विल गो फॉरवर्ड towards your destination, my loving future nursing officer. इसी हंगर के साथ आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। That you can see everyone. Next type की हम बात करें, next classification की बात करें, tubercular meningitis. देखिए, mycobacterium tuberculi. These are the factor responsible can cause tubercular meningitis. मैं हमेशा कहता हूँ, mycobacterium जो tuberculi है बच्चों, ये कौन सा bacteria है? ये acid fast bacilli. याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई ना तो ग्राम पॉजिटिव कह सकते हैं ना ग्राम नेगेटिव, वी कैन से एसिड फास्ट बैसिलाई है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज
ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। यदि आपको ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस की बात करें तो यहां पर माइकोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, देखिए इसका दूसरा नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फीवर कॉज्ड बाई नाइजीरिया मेनिंजाइटाइटिस। देखिए ये वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या कॉज करता है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जब भी जिक्र होगा तो यहां पर नाइजीरिया मेनिंजाइटाइटिस रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इफेक्ट टू द अफेक्ट टू दैट वी कैन से मेनिंजेस टू डेवलप इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इनटू द मेनिंजेस। ओके फाइन। इसके अलावा फर्दर यदि हम देखें बच्चों, क्वेश्चन आता है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मैंने रेड मैक्यूलर रेशेस पुट किया। ये कॉमनली आपने देखा होगा जब भी हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें वहां पर भी एक नाइजीरिया गोनोरी पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग एसटीडी के अंदर एड्स पढ़ते हैं, सिफिलिस पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली कहीं कहीं आपने देखा होगा रेड मैक्यूलर रैशेस वहां पर भी डेवलप होते हैं। तो इजी टू रिमेंबर हम बोल सकते हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, और इसके लिए कॉमन जो फीचर्स होंगे दैट इज अ रेड मैक्यूलर रैशेस डेवलप होंगे पेशेंट की बॉडी पे। अब आता थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए मैंने बात की थी मेनिंजाइटिस जो है डॉपलेट के द्वारा ट्रांसफर होता है। डॉपलेट का मतलब बच्चों स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, लाफिंग हो गया, ये वो एक्टिविटीज है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मार्केट में आएगा और आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा अंदर ले लोगे, फिर वहां से ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से रीच होकर मेनिंजेस में जाएगा और वहां पर जाकर के प्रोलीफरेशन और मल्टीप्लीकेशन होगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो डेफिनेटली हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना बच्चों ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी मैंने बताया, या स्कल की इंजरी मैंने बताया। यदि हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात करें तो यदि पेशेंट का ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की कोई सर्जरी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है उस कंडीशन में, या कोई स्कल के अंदर फ्रैक्चर हुआ बच्चों, स्कल में फ्रैक्चर हुआ है उस कंडीशन में, क्योंकि जो ब्रेन होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ब्रेन हमेशा क्रेनियल कैविटी में होता है। कहां होता है? क्रेनियल कैविटी में होता है। और क्रेनियल कैविटी जो आप बॉडी में चार कैविटी होती है, क्रेनियम, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विस, इन चारों में सबसे छोटी कौन सी होती है? क्रेनियल, और एब्डोमेन जो है सबसे बड़ी होती है। तो डेफिनेटली स्कल फ्रैक्चर होगा तो डायरेक्टली ब्रेन अफेक्ट होगा, तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है। दूसरा मैंने लिखा बच्चों ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट में मैं बता सकता हूं स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ये वो एक्टिविटी है जो ड्रॉपलेट इंफेक्शन रिस्पॉन्सिबल। बट दोनों को कंपेयर करें तो यहां रूट कॉमन कौन सा होगा बच्चों दोनों में? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। देन जब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो कहां कहां ये डिजीज कॉमनली डेवलप हो सकता है? हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी, क्राउडेड लिविंग एरिया में, और प्रिजनर्स। देखिए प्रिजनर्स कौन होते हैं? जेलर, कैदी, जहां जेल में बहुत सारी भीड़ ठूस दी जाती है और वहां पर उन लोगों में ये कॉमनली डिजीज स्प्रेड हो सकती है, जिनको हम प्रिजनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिजनर्स बोलते हैं। तो इस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सीधा पूछेंगे कि मेनिंजाइटिस कॉमनली कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन के द्वारा स्प्रेड होता है, तो पहले आंसर आपको ड्रॉपलेट लिखना है। ड्रॉपलेट नहीं है तो उसके अलावा बच्चों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लिख सकते हो, एयरबोर्न लिख सकते हो, बट दैट इज अ वे हाउ टू रिमेंबर, ओके फाइन। अब बात आती माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि यदि किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है, तो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विथ मेनिंजाइटिस। या आपको मैं दो से तीन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों जो 200% इंपॉर्टेंट है, 100 नहीं बच्चों 200% इंपॉर्टेंट है। और 200% इंपॉर्टेंट लिए आपको क्या देखना होगा? फीवर विथ चिल और सीवियर हेडेक, ये दो जो है ये कॉमन सिम्टम है मेनिंजाइटिस का। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। बच्चों लाइक करना ना बोले, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक इट राइट नाउ एवरीबडी, लाइक इट राइट नाउ एवरीबडी, दोज आर वॉचिंग JINC नर्सिंग। ओके फाइन। देखिए बच्चों फीवर क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है बच्चों? इंफेक्शन हो रहा है। इंफेक्शन का कार्डिनल साइन कौन होता है बच्चों? फीवर होता है। दूसरा सीवियर हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा। हेडेक कैसा होगा? प्रिकिंग बोल सकते हो,
आप किसी भी निडिल को लेके ब्रेन में से लगातार प्रिक करते हो, उस तरीके का हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, और ये दोनों कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैं मेनिंजियल इरिटेशन के सिम्टम बताऊंगा, जो अभी आप लिख रहे हो वो मेनिंजियल इरिटेशन के सिम्टम होगा, जिसमें आपको नकल रिजिडिटी, ब्रूट जिनकिन साइन, कर्निंग साइन, वो सब बताऊंगा बच्चों। बट ये क्वेश्चन बनता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट सफर विद मेनिंजाइटिस, तो आपको फीवर तो लिखना है, उसके साथ बच्चों सीवियर हेडेक जरूर लिखेगा। ये सीवियर हेडेक भी मोस्ट कॉमन सिम्टम में आता है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। उसके अलावा जनरलाइज मसल सेक होगा, पेन होगा। मसल सेक और पेन का कॉज क्या हो सकता है? स्टिफनेस हो सकता है। उसके अलावा टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होगा। उसके अलावा डिटोरियरेशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कॉमनली फाइंड आउट होगा द पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चों, ये पूछेंगे कि विच इज द साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, ये क्वेश्चन आएगा। और मेनिंजियल इरिटेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से, उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फीवर के साथ लिखा बच्चों, नकल रिजिडिटी, और इजी वे में हम बोल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ द नेक। क्या होगा? बॉडी के मसल्स में स्टिफनेस डेवलप होगा, और स्टिफनेस को पता लगाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। नकल रिजिडिटी, हम नकल रिजिडिटी को बोल सकते हैं बच्चों कन्फर्मेटरी, हम इसको बोल सकते हैं कन्फर्मेटरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि नकल रिजिडिटी से पता चल जाता है कि आपको मेनिंजाइटिस है। अब नकल रिजिडिटी को एनालिसिस करने के लिए अपन पॉजिटिव ब्रूट जिनकिन साइन और कर्निंग साइन देखेंगे, उन दोनों साइन से हम पता लगाएंगे पेशेंट को नकल रिजिडिटी है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विच इज द कन्फर्मेटरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, नकल रिजिडिटी लिखना है। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। अब इस नकल रिजिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यहां एक इमेज मैंने पुट किया है। द पेशेंट लुक्स लाइक दैट हैव, दिस इज द पेशेंट, दीज आर द मेनिंजस। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये मेनिंजस, आपको अच्छे से पता है ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, बोथ आर कनेक्टेड ईच अदर। डेफिनेटली पेशेंट को जब इसकी कवरिंग अंदर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, वी कैन नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, हम इस नेक को मूव नहीं कर पाएंगे, गर्दन में क्या जाएगा बच्चों, स्टिफनेस आ जाएगा। उस स्टिफनेस को देखने के लिए मैं पर्टिकुलर मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, बट यहां पर इतना याद रखना, दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे, टेम्परेचर देखा, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ, उस समय डॉक्टर क्या करता, आपको सुपाइन पोजिशन में लिटाएगा और नेक को होल्ड करेगा राइट हैंड से, और नेक को फ्लेक्स करेगा। जब नेक को फ्लेक्स करेगा तो पेशेंट इज कैन नॉट एबल टू मूव द नेक, नेक को मूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या बच्चों, नेक में स्टिफनेस है। और नेक में स्टिफनेस को और कंफर्म करने के लिए ब्रूट जिनकिन साइन और कर्निंग साइन को हम देखते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, बट यू आर गोइंग टू नो अबाउट दैट कि एग्जैक्टली नकल रिजिडिटी क्या होता है। ओके फाइन, हियर वी कैन सी। अब इस नकल रिजिडिटी को पता लगाने के लिए दो साइन मैंने पुट किया। देखिए हमने क्या किया, ब्रूट जिनकिन साइन से भी पता चलेंगे कि पेशेंट को नकल रिजिडिटी है कि नहीं। इसमें क्या किया, पेशेंट सीधा लेटा बच्चों सुपाइन पोजिशन में। पेशेंट को किस पोजीशन में लेटाया हमने, सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद में नेक को क्या किया, फ्लेक्स किया नेक को। जैसे ही आप नेक को फ्लेक्स करोगे, यू कैन सी एवरीबॉडी, जैसे आप नेक को फ्लेक्स करोगे तो पेशेंट का नी जो है वो भी फ्लेक्स होगा। आई वाज पुटेड, फ्लेक्शन ऑफ हेड कॉज फ्लेक्शन ऑफ बोथ थाई और हिप एंड नी। जैसे ही आप पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और आपने गर्दन को पकड़ के जैसे इसको फ्लेक्स किया, तो डेफिनेटली पेशेंट का लेग, पेशेंट का नी, पेशेंट का हिप अपने आप वापस क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, अपने आप क्या होगा बच्चों, फ्लेक्स होने लगेगा। दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, पेशेंट इज ऑन सुपाइन पोजिशन, सीधा लेटाया, अपने पेशेंट का हेड को फ्लेक्स किया। जैसे ही हेड फ्लेक्स होगा तो उसके साथ साथ क्या फ्लेक्स, बोथ थाई, हिप और नी, दैट गोइंग टू बी फ्लेक्स। तो इधर से नेक फ्लेक्स हो रहा है, उधर से बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स हो रहा है। इस साइन का नाम है ब्रूट जिनकिन साइन बच्चों। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यहां पर पेशेंट की गर्दन ऊपर कर रहे हैं, इधर पेशेंट का नी
और पेशेंट की थाई और पेशेंट का हिप क्या हो रहा है बच्चों, फ्लेक्स हो रहा है। इसका मतलब इस पेशेंट को स्टिफनेस प्रेजेंट है, नकल रिजिडिटी प्रेजेंट है। ये मैं अडल्ट की बात कर रहा हूं, मैं बच्चों में एक स्पेसिफिक साइन बताऊंगा आपको। चिल्ड्रन को यदि मेनिंजाइटिस होगा तो मैं एक स्पेसिफिक साइन आपको बताऊंगा, बट ये साइन यदि पेशेंट को ब्रूट जेंकिन साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब पेशेंट को क्या प्रेजेंट है बच्चों, द पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। ओके फाइन। इसके अलावा फर्दर यदि हम देखें दूसरा साइन बच्चों, दूसरे में लिखा मैंने कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या करना है, पेशेंट को अगेन सुपाइन पोजिशन में पुट किया, अगेन सुपाइन पोजिशन में पुट किया। पुट करने के बाद में पेशेंट का नी को हमने क्या किया, फ्लेक्स किया, नी को पेशेंट को फ्लेक्स किया। और फ्लेक्स करने के बाद वेन द एक्सटेंडेड लिम्स जब पेशेंट के लेग को सीधा किया जा रहा है तो क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, पेन प्रेजेंट होगा। मतलब स्टिफनेस की वजह से पेशेंट कैन नॉट एबल टू एक्सटेंड द लिंग। सीधा लेटाया, नी को फ्लेक्स किया, जैसे ही नी को एक्सटेंडेड किया तो उस समय पेशेंट में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, पेन। क्या प्रेजेंट होगा, पेन प्रेजेंट होगा। इस साइन को हम क्या कहते हैं, एक दें याद रखना, मैंने पॉजिटिव ब्रूट जेंकिन साइन के बारे में बताया था कि जब फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट को स्टिफनेस होता है, और कर्निंग साइन से याद रखना जब एक्सटेंड करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। किसको, लोअर एक्सट्रीमिटीज को। आई वाज पुट एट फ्लेक्शन ऑफ थाई नी टू द राइट एंगल, व्हेन द लिम्स आर एक्सटेंडेड इट कॉज स्पाज्म ऑफ द हैमस्ट्रिंग और सीवियर बैक। ये हैमस्ट्रिंग जो बच्चों, ये थाई की मसल्स है, किसकी मसल्स है, ये थाई की मसल्स है, और हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेशेंट को स्पाज्म होंगे कब, जब पेशेंट को नी के डाउन वाला पार्ट जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये यहाँ एक स्पेसिफिक है। मैंने नकल रिजिडिटी के दो मेथड आपको बता दिए, एक कर्निंग साइन हो गया, एक पॉजिटिव ब्रूट जेंकिन साइन हो गया। अब क्या होता बच्चों, अब यदि छोटा बच्चा है और आपको पता लगाना है कि उस बच्चे को नकल रिजिडिटी है, तो एक स्पेसिफिक मेथड आपको यहां यूज करना पड़ेगा। उस मेथड का नाम क्या होगा, यू कैन सी क्लिनिकल फीचर्स चिल्ड्रन बता रहा हूं। किस द नी टेस्ट में कुछ नहीं करना है, बच्चे को सिटिंग पोजिशन में बिठाना है और बच्चे को बोलना है कि आप अपने नी को किस करो, पेशेंट को झुकना। आई वॉज पुट इट नी कैप डाउन, आप बैठे, नी को डाउन की ओर पुट किया, द चाइल्ड आस्क्ड टू किस हिज नी। यदि पेशेंट है, बच्चा जो है वो झुक करके अपने नी को किस कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में या नेक में रिजिडिटी नहीं है। और द बेबी इज अनएबल टू किस इट, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है और बच्चे को क्या प्रेजेंट है बच्चों, That we can say meningitis. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, आई वॉज पुट इट फाइंडिंग कैन नॉट डू मैनोवर ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ स्पाइन। यदि पेशेंट ये मैनोवर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके स्पाइन में क्या है बच्चों, स्टिफनेस है। और इस टेस्ट को हम बोलते हैं किस द नी टेस्ट। और ये किस में प्रीफर करते हैं बच्चों, ये हम चिल्ड्रन में प्रीफर करते हैं। तो ये वो माइनर पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है जो एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इट विल बी एंजॉय एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट टेस्ट वी कैन से किस द नी टेस्ट। ओके फाइन। आज की जो अपनी जर्नी थी बच्चों यहीं तक थी, और कल इसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे जिसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे और मेनिंजाइटिस में बनने वाले सारे एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देता हुआ मैं क्लोज करता हूं क्लास को। एमपी एनएचएम के लिए एचएसएससी हरियाणा, एमपी व्यापम, सीआरपीएफ, इन सब के लिए स्पेशल वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इस कोर्स की प्राइस 899 है बच्चों। आप इस कोर्स को परचेज करके करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करें और जेएनसी परिवार से जुड़े रहें। तो आज की इस जर्नी को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नए साल की नई जर्नी आज हमने स्टार्ट की, मैं उम्मीद करूंगा कल रात को न्यू ईयर्स की थकान अभी आप लोगों को प्रेजेंट होगी, इसलिए कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम रहा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कल आप फिर जाग उठोगे इस टॉपिक को पूरा करने के बाद। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, आगे सीवीए पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करिएगा इस नए साल पे, और हमेशा ना किसी का बुरा करना है, ना बुरा बोलना है, और ना बड़ी बड़ी बातें फेंकना, सच बोलना है, ईमानदारी के साथ जीना है, ना बुरा करना, ना बुरा देखना, ना बुरा सोचना है, सिर्फ भगवान पे भरा, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, मां बाप का आशीर्वाद लेते हुए जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश लगातार बनी रहनी चाहिए। कल मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी रहिएगा। जय हिंद,
जय भारत।